हेलो, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल सभी दोस्तों को। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म IT स्टडी में। मैं चल वर्मा आपका स्वागत करता हूं और आज के लिए आपके लिए लेके आया हूं अगला चैप्टर, जिसमें आपको जो मैंने करवाया था उसमें आ जाता है सबसे पहले IC इंजन। क्या दोस्तों? IC इंजन। तो IC इंजन का अपने कर देते हैं क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन को अपने क्या कहते हैं दोस्तों? वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में सबसे पहले हमारे पास आता है, वर्गीकरण करेंगे तो सभी को आपको एक बात कहना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को एंड तक देखा करें, ताकि जो भी आपके काम की चीज हो वो आपके सामने आए। ऐसा नहीं हो कोई काम की चीज आप छूट जाए। तो सबसे पहले मैं आपके सामने लेके आया हूं, आपका पहला है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर हम इसको तीन भागों में बांटेंगे। सबसे पहले पेट्रोल इंजन, लिखते रहना, याद कर लेना, स्क्रीन शॉट लेना, जो आपकी मर्जी। पेट्रोल इंजन, या लिखेंगे डीजल इंजन, डीजल इंजन, और यहां लिखेंगे गैसोलीन इंजन, गैसोलीन इंजन। क्या है कि प्रयोग के आधार पर हम किस किस तरह से इन इंजनों का प्रयोग कर सकते हैं, कि जो हमारे IC इंजन है, इंटरनल कमर्शियल इंजन है, एक्सटर्नल कमर्शियल इंजनों को हम पेट्रोल डीजल ये नहीं काम में लेते। वहां हमारे क्या काम आता है दोस्तों? वहां एक ईंधन आता है, ईंधन के रूप में कोई भी कोयल है, लकड़ी है, या कोई अन्य डीजल पेट्रोल एक आदि का काम ले सकते हैं। सिर्फ काम क्या? उष्मा पैदा करने के लिए। पर यहां हमने इसको क्लियर कर लिया था, यहां उसमें कहां पैदा होती है दोस्तों? उसके कंबशन चेंबर में होती है, न कि अन्यत्र कहीं बाहर होती है। आगे अगर सिलेंडर की संख्या के आधार पर, आपने देखा होगा, सुना भी है कि सिलेंडर की संख्या कितनी होती है? सबसे एक कम से कम क्या होती है दोस्तों? एक होती है। एक क्या? मोटर बाइक है, ऑटो है, ऐसे सब में लगभग सिलेंडर की संख्या एक होती है, मतलब कि एक या बहु सिलेंडर, एक सिंगल सिलेंडर या बहु सिलेंडर। बहु सिलेंडर वो कहलाते हैं जो दो से अधिक, एक होगा तो एकल सिलेंडर, दो से अधिक जो सिलेंडरों की संख्या हो, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, जो भी सिलेंडर की संख्या होगी वो मल्टी सिलेंडर इंजन कहलाते हैं। आगे आते हैं दोस्तों प्रज्वलन विधि के आधार पर, मतलब कि इनका ज्वलन किस तरह से होता है। इसमें देखो आप, यहां आएगा जो पेट्रोल इंजन होते हैं ये स्पार्क प्रज्वलन होते हैं, स्पार्क इग्निशन, और जो डीजल इंजन होते हैं वो दोस्तों हमारे होंगे कंप्रेशन इग्निशन, कंप्रेशन इग्निशन या प्रज्वलन इसको कह सकते हैं। ये हो गया स्ट्रोकों के आधार पर। ये मैंने कल ही आपको बताया, हमारे पास आता है 2 स्ट्रोक और दूसरा आता है 4 स्ट्रोक, क्लियर। आगे सिलेंडर की व्यवस्था के आधार पर, सिलेंडर किस किस तरह से लगा सकते हैं। आपको मैं बाइक से ले चलता हूं, बाइक आपके पास कौन सी है दोस्तों? बजाज की बाइक है, तो आपने देखा होगा उसका सिलेंडर इस तरह से होता है, क्या? वर्टिकल। अगर आपके पास होंडा की बाइक है, उसका लेटा हुआ होगा सिलेंडर, तो हॉरिजॉन्टल। अब आपके पास जो कंप्रेशर होता है 2 स्टेज वाला, उसमें आपने देखा होगा उसमें इस तरह का होता है, तो उसको वी अरेंजमेंट। कुछ इंजनों में इस तरह से अपोजिट होते हैं, एक पिस्टन इधर चलता है, एक इधर चलता है। वायुयान का इंजन होता है वो इस तरह से विषम होता है, यहां पिस्टनों की संख्या होती है, इस तरह से वायुयान का इंजन इस तरह से कार्य करता है। तो अंतिम बचता हमारे पास इनलाइन व्यवस्था, जो बस, ट्रक, कार, जीप में जो होता है, एक लाइन में ही सिलेंडरों की व्यवस्था की जाती है। तो इस तरह से हम बांट सकते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, वी शेप में, इनलाइन, रेडियल और अपोजिट, ये हमारे हो गए सिलेंडर की व्यवस्था के आधार पर। आगे आता शीतलन के आधार पर। शीतलन क्या होता है? ठंडक देना, और इंजन को ठंडा करने के लिए हम दो ही तो विधियां अपनाते हैं, कौन सी दोस्तों? एक वायु शीतलन और दूसरी जल शीतलन। आगे आता है अधिनियंत्रण के आधार पर। अधिनियंत्रण क्या होता है दोस्तों? अधिनियंत्रण होता है जैसे आपका टीचर आप पे कंट्रोल करता है, वो क्या है? कंट्रोल है, नियंत्रण है। इसी तरह ही हमारी सरकार पे जो नियंत्रण करता है उसे गवर्नर कहते हैं। उसी तरह हमारे इंजन में भी इंजन को रोके और स्पीड को नियत करने के लिए एक अधिनियंत्रक होता है, जिसे अपने गवर्नर कहते हैं। तो उसी गवर्नर के आधार पर यह अधिनियंत्रक होगा, एक मात्रात्मक, मात्रात्मक अधिनियंत्रण, एक होगा गुणात्मक और एक होगा हीट एंड मिस गवर्नमेंट। आगे आता है प्रचालन के आधार पर।
प्रचालन के आधार पर हम इसको बांट सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया था मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल और डीजल साइकिल। उसके बाद में वाल्व व्यवस्था के आधार पर अब बात आती है दोस्तों, वाल्व किस किस तरह से लगाए जाते हैं। जैसे हम थ्योरी पूरी करेंगे, जहां तक आपका सिलेबस हो गया अच्छी बात है, नहीं आया तो हम पूरी करवाएंगे। तो वाल्व हम किस किस तरह से लगा सकते हैं, सबसे पहले हम लगाते हैं नंबर एक ओवरहेड। ओवरहेड जो वाल्व व्यवस्था चल रही है जिसे आई हेड भी बोला जाता है। ओवरहेड में क्या करते हैं, दोनों वाल्व सिलेंडर हेड में ऊपर लगा देते हैं। खोलने के लिए रोकर आर्म की व्यवस्था, पुश रॉड, इन चीजों की टेपर्ड, इन चीजों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा हमारे पास एक छोटा सा फार्मूला है, हम इसे लिख देते हैं LIFT लिफ्ट, और एक व्यवस्था बच जाती है H। ये हमारा क्या हो गया, वाल्व व्यवस्था होगी सारी सारी L टाइप, I टाइप, F टाइप, T टाइप और H टाइप। आसानी से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे आता है अनुप्रयोग के आधार, कोई ज्यादा इसमें कुछ नहीं। अनुप्रयोग कहाँ कहाँ काम में लिए जाते हैं, लग जाओ अपनी शुरुआत से कि एक मोटरसाइकिल में भी हम इंजन का काम में लेते हैं। कौन से, इंटरनल कंबशन इंजन का, एक्सटर्नल तो नहीं लगाते ना, इंटरनल का काम में लेते हैं। मोटरसाइकिल, कार, जीप, बस, टेम्पो, ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रेलर और टेम्पो, वैगन, हवाई जहाज, जलयान, सभी में हम क्या इनका अनुप्रयोग करते हैं। इसके बाद ये हमारा हो गया वर्गीकरण, किसका, इंटरनल कंबशन इंजन का साथियों, इंटरनल कंबशन इंजन का। इंटरनल कंबशन में ही ये सारे होते हैं, एक्सटर्नल में नहीं होते। तो इसलिए इसके बाद में हम पढ़ेंगे, एक आगे का टॉपिक आएगा हमारे टेक्निकल टर्म तकनीकी शब्दावली, उनमें हम पहले इंजन को क्लियर करेंगे क्या क्या भाग होते हैं, किस तरह की चीज को क्या बोला जाता है, उस पार्ट की बनावट क्या है, उसका हम फॉर्मूले से कैसे आकलन करेंगे, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।